तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो जितने भी यार नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, आप सभी के मन में यार एक डाउट जो कि हमेशा बना हुआ रहता होगा कि आखिरकार एमबीबीएस के लिए हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट के लिए कितना जो है मार्क्स हमें नीट 2023 के एग्जाम में, चाहे आप नीट 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो या तो फिर नीट 2024 या तो फिर नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आखिरकार एक एमबीबीएस सीट के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में कितना जो है आपको मार्क्स जो है सिक्योर करना होगा, है ना। एंड इस वीडियो में यार हम लोग जो है बात करने वाले आपके एम्स कटऑफ्स कितना होता है, यानी कि एम्स कॉलेज में एमबीबीएस सीट के लिए कटअप कितना होता है, क्योंकि यार कटअप जो है ना आपका थ्री टाइप्स का होता है। आपका एम्स कॉलेज के लिए कटअप कितना होता है, इसके साथ साथ आपका ऑल इंडिया कटअप कितना होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, इसके साथ साथ आपका स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि स्टेट काउंसलिंग होता है, तो स्टेट वाइज जो है कटअप कितना होता है। इस वीडियो में जो है मैं कैटेगरी वाइज बात करने वाला हूँ, चाहे आप जनरल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी की बात करने वाला हूँ, है ना। सो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यार जैसे कि मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ कटअप, जब आपका नीट का काउंसलिंग होगा ना तो आपका जो है थ्री टाइप्स का कटअप होता है, स्टेट कटअप, स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए, जिसमें कि आपका 85% सीट जो है रिजर्वेशन रहती है। एंड उसके साथ साथ ऑल इंडिया कटअप होता है जो कि आपका 15% सीटें रिजर्व होती है। एंड उसके साथ साथ एम्स कॉलेज के लिए जो कि नीट के बेसिस पे आप लोग एम्स कॉलेज में अब जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है सीटें कहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा जो है आपका 85% स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ज़्यादा चांस रहता है कि आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। बाकी यार ये जितने भी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जो है पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सभी आप सभी नीट 2023 के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी ज्वाइन हो जाओ। एंड टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, एंड चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके साथ साथ यार इंस्टाग्राम आईडी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम मेरा ये रहा, यहां पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट ये सब कर सकते हो, कोई भी डाउट क्वेरी पूछ सकते हो। सो चलो यार फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार इससे पहले वैसे स्टूडेंट जिनका जो है मेरे पास जो है रेगुलर कमेंट आते रहता है, रेगुलर जो है मेरे पास मींस क्वेश्चंस आते रहता है कि आखिरकार भैया नीट के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग कौन सा है, तो आगे मैं एक से डेढ़ मिनट यार जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनो। सो आप सभी स्टूडेंट का रेगुलर मेरे पास क्वेरीज डाउट आते रहता है कि आखिरकार भैया जेई एंड नीट का प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द टॉप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो आपको यार मैं रिकमेंड करूंगा, चाहे आप जेई का फाउंडेशन यानी कि आप 10th के जस्ट बाद 11th 12th के साथ साथ जेई का नीट का प्रिपरेशन करोगे, या तो फिर आप ड्रॉप लेने वाले हो, आप सभी को यार मैं जो रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसका यार 1 करोड़+ स्टूडेंट का जो है ट्रस्ट इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले साल का मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूंगा यार, पीडब्ल्यू विद्यापीठ ने जैसे ही एडमिशन ओपन किया, उसके बाद फिर जैसे ही स्टूडेंट का क्वेरीज आने लगा एडमिशन के लिए, फाइनल ईयर जो है पता चल रहा है कि एडमिशन के लिए मतलब सीट सी पूरा जो है क्लोज हो चुका है 1 से 2 दिनों के अंदर, है ना। तो इस साल भी यार आपका जो है सेम सिचुएशन होने वाला है, आपका एडमिशन जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड इस बार यार और भी ज्यादा जो है हाईटेक मामला होने वाला है, पेरेंट डैशबोर्ड आपको मिल रहे होंगे, स्टूडेंट का डैशबोर्ड मिल रहा होगा, 15 आवर डाउट रिजोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। तो आप भी यार ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन जो है फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। एंड क्लासेस जो है आपका 13th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। एंड आप यार अगर जो चाहते हो कि आपको 90% स्कॉलरशिप मिले, तो इसके लिए जो है आप सैट का एग्जाम दे सकते हो जो कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट को यार मैं यही रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू विद्यापीठ को आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि यार इतना अफोर्डेबल प्राइस एंड प्लस इतना जो हाईटेक ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। सो जल्दी से यार ज्वाइन करो एंड अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करो पीडब्ल्यू विद्यापीठ के साथ, एंड अपने सपने की तरफ आगे बढ़ो। पीडब्ल्यू का जेई या नीट का जो है विद्यापीठ कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप जो है कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे जो एक जो है कॉलिंग नंबर दिख रहा होगा। एंड इसके साथ साथ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है। इसके साथ साथ यार आपको जो है एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो जो है गूगल फॉर्म आप लोग जरूर से जरूर फिल कर दो, ताकि जो है पीडब्ल्यू का टीम जो है आपको कनेक्ट कर पाएगी। एंड देन आफ्टर आपको और भी डिटेल में इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गूगल फॉर्म एंड कॉन्टैक्ट नंबर का जो है डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेक श्योर आप लोग चेकआउट करें एंड आप लोग और भी इंक्वायरी ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। सो चलो यार अब जो है फाइनली वीडियो को हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यार मैं बात करने वाला हूँ आपका एम्स कटअप्स के बारे में फॉर एमबीबीएस सीट, यानी कि एम्स कॉलेज अगर जो आपका टारगेट है, आपको यार लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो मतलब बिल्कुल नीट का एग्जाम इस बार जो है फोड़ने वाला हूँ, नीट में बहुत ही अच्छा मार्क्स मेरा आने वाला है, तब जो है आपके लिए है कि एम्स का जो है कटअप कितना जाएगा एमबीबीएस सीट के लिए। मिनिमम मार्क्स टू सिक्योर एम्स फॉर एमबीबीएस सीट, यानी कि यार ये जो है कम से कम इतना मार्क्स आएगा तभी आप मतलब कि चांस रखो कि हाँ आपको एम्स कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलेगा, है ना। स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो इससे जो है कम कटअप जाएगा, लेकिन एम्स कॉलेज में अगर जो आपको एम्स दिल्ली में, एम्स भुवनेश्वर में, एम्स जोधपुर में, इन सभी कॉलेज में आपको चाहिए, यानी कि कोई ना कोई जो है एक एम्स कॉलेज में आपको इतने इतने मार्क्स पर जो आपको एम्स में एमबीबीएस सीट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो एम्स का जो है ना, एम्स का भी जो है 3 कैटेगरी रहता है, जैसे कि टॉप एम्स जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, मीडियम में जैसे कि एम्स जोधपुर हो गया, एम्स भुवनेश्वर
ट्रांसफर हो गया है ना, एंड लोअर जो है और जो कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड जो एम्स रहते हैं उस कॉलेज को जो है थोड़ा सा लोअर, यानी कि ऐसे तो यार एम्स एम्स कॉलेज होता है ना, एमबीबीएस यार एम्स ही अगर जो कर रहे हो तो आपका तो खैर मतलब समझ सकते हो ना, एम्स एम्स ही होता है। लेकिन फिर भी इस तीन कैटेगरी में जो है एम्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यार जनरल कैटेगरी की अगर जो बात करो तो अगर जो आप 4640 प्लस मार्क्स लेकर के चले आते हो तो आपको 100% कोई ना कोई जो है एक एम्स कॉलेज में आपको एमबीबीएस सीट मिल रहा होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 635 प्लस मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 638 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 545 प्लस मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 536 मार्क्स, यानी कि इससे प्लस प्लस मैंने लिखा हुआ है ना, यानी कि इससे जो है ज़्यादा ही लाना है, इससे कम अगर जो लाते हो तो बिल्कुल भी आपको मतलब कोई भी यार चांस नहीं है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर जो बात करूँ जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ओवरऑल जो है 640 प्लस मार्क्स आप लोग को टारगेट लेकर के चलना है, यानी कि 650 प्लस मार्क्स यार जो है टारगेट लेकर के चलो तब जो है आपका 640 एटलीस्ट मार्क्स आ पाएगा। वहीं पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 540 प्लस मार्क्स एटलीस्ट जो है आपका आना चाहिए है ना। तो ये हो गया यार आपका एम्स कॉलेजेस के लिए कटअप्स कितना होने वाला है। नेक्स्ट ईयर अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि आपका ऑल इंडिया कोटा का जो है कटअप कितना होता है। ऑल इंडिया का जो है यानी कि ऑल इंडिया कोटा का मीनिंग ये होता है कि आपको 100% कोई ना कोई जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एम्स में भी आपको मिल सकता है मॉप अप राउंड में, लेकिन आपको ऑल इंडिया कोटा का जो है कटअप्स वो होता है यानी कि इससे इतने कटअप्स पे यानी कि आपको 100% कोई ना कोई जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगा है ना। जनरल कैटेगरी के लिए जैसे कि यार ऑल इंडिया कोटा जो है कटअप होता है ना वो आपका जब काउंसलिंग होता है राउंड वन राउंड टू एंड एक जो है स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है जिसे कि मॉपअप राउंड कहा जाता है ना। तो जनरल कैटेगरी की अगर जो बात करूँ तो 609 603 598 यानी कि यार मॉपअप राउंड जो सबसे लास्ट राउंड का काउंसलिंग होता है उसमें जो है सबसे लोवेस्ट 598 मार्क्स पे सीट मिला हुआ था। बाकी एवरेज अगर जो बात करूँ तो मतलब राउंड वन एंड राउंड टू जो यार होता है यही आपका मेन राउंड होता है काउंसलिंग का है ना। तो 603 मार्क्स यानी कि 605 प्लस मार्क्स का जो है आप लोग को जो है टारगेट रखना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के लिए, यानी कि 100% अगर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कंफर्म करना चाहते हो तो। ओबीसी कैटेगरी के लिए 598 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 595 प्लस मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 458 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 425 प्लस मार्क्स। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नोट में कन्फर्म्ड एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि इतना इतना मार्क्स अगर जो आ जाता है तो आप लोग का टेंशन मुक्त मतलब हो जाना है कि आपको 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज में तो जो है एमबीबीएस सीट मिल ही जाएगा है ना। तो ये हो गया आपका ऑल इंडिया कोटा। एंड नेक्स्ट यार हम जो है हम लोग देख लेते हैं कि आपका स्टेट का जो है कटअप्स कितना होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का है ना। तो देखो यार वैसे एवरी स्टेट का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कटअप यार वैरी करता है, क्योंकि यार हर एक स्टेट में मतलब कि पॉपुलेशन कम नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी स्टेट में जो है कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं नीट के लिए है ना। पॉपुलेशन पर यार वैरी करता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीटें पर भी जो है वैरी करती है। कोई कोई सीट में जो है कोई कोई जो है स्टेट में यानी कि एमबीबीएस कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा जो है सीटें मिस वहाँ पे है ना। तो वहाँ पे जो है यानी कि जो है हमेशा जो है कटअप जो है वैरी करती है स्टेट बाई स्टेट टू स्टेट वैरी करती है कटअप है ना। तो मैंने यार जो है ये स्टार्टिंग का जो ये दो मैंने स्टेट लिया हुआ ये सबसे लो कटअप जो है इसी दो स्टेट का जाता है एंड जो सबसे हाईएस्ट कटअप जाता है ये दो स्टेट का जाता है ना। तो इतना यानी कि इसी रेंज में आप चाहे जिस भी स्टेट से हो ना आपका लगभग यानी कि इसी के रेंज में आपका कटअप जाएगा। सबसे पहले जैसे कि महाराष्ट्र की बात करूं तो जनरल का कटअप 560 से 570 के बीच में जाता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 550 से 555 हो गया, एससी कैटेगरी के लिए 400 से 420 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 360 से 370। वहीं पे दिल्ली एंड यूपी का जो सबसे हाईएस्ट कटअप जाता है जैसे कि दिल्ली की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 630 प्लस मार्क्स एंड ओबीसी के लिए 600 प्लस, एससी के लिए 510 प्लस एंड एसटी कैटेगरी के लिए 420 प्लस है ना। तो ये जो है आपका स्टेट कटअप है, आपका स्टेट वाइज का डिफरेंट डिफरेंट जो है कटअप मतलब कि वैरी करता है। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग कि अगर जो आपका ऑल इंडिया कोटा अगर जो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है तो आपका स्टेट कटअप तो यार अपने आप जो है आपका क्लियर हो ही जाता है ना। तो मेन आपका जो फोकस करना है वो आपका ऑल इंडिया कटअप्स पे ही, आपका ऑल इंडिया कोटा का जो कटअप होता है ये अगर जो कटअप आपने क्लियर कर लिया तो आपका जो स्टेट लेवल का कटअप जो अपने आप क्लियर हो जाता है ना। सो यही सारी चीज़ें यार आपको है जो कि आपको ध्यान में रख करके जो आपको प्रिपरेशन करना है, आपका भी कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट पेपर ये सब दे रहे हो एंड कहाँ तक आपको पहुँचना है जो कि मैंने ये वीडियो में जो है मैंने आपको बता दिया है। सो इस बातों को ध्यान में रख करके आप जो है प्रिपरेशन करें। बाकी यार जैसे कि मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओ एंड बाकी ये जो पीडीएफ है वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट 2023 का प्रिपरेशन करे हो, नीट 2024 का, चाहे तो नीट 2025 का प्रिपरेशन करे हो, ये पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से या तो फिर टेलीग्राम चैनल में आप लोग जो है ज्वाइन हो जाना। बाकी चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी बहुत सारे जो है नीट 3 का जो है काउंसलिंग होगा रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जो है वीडियोज आपको मिलता रहेगा एंड इंस्टाग्राम आईडी आर आप लोग जो है मिस मांगते रहते हो तो सोनू सिंह स्पीकर है तो यहाँ पे भी आप लोग मेरे को फॉलो करके मैसेज सब कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो बाकी बस यार इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए की वर्किंग हार्ड की पर्सनिंग, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।